नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे पावर सप्लाई को कैसे बनाते हैं। पावर सप्लाई चाहे 24 वोल्ट की हो, 12 वोल्ट की या 5 वोल्ट की, जो भी पावर सप्लाई बनाना चाहते हैं आप, इस वीडियो को देखोगे तो आसानी से आप कोई भी पावर सप्लाई बना सकते हैं। इसके लिए मैं एक खराब पावर सप्लाई ले रहा हूँ। इस पावर सप्लाई में लगभग आउटपुट जो लेंगे वो 100 से 120 वाट तक की पावर सप्लाई लेंगे। इसके लिए यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है इसको भी हटा देंगे, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर से 100 वाट की पावर सप्लाई नहीं मिलेगी। तो यहां पर बड़ा ट्रांसफार्मर लगाएंगे और यहां पर जो ये कंपोनेंट लगे हुए हैं आउटपुट में, इनको भी सबको यहां से हटा देंगे। और इस SMPS में आउटपुट वोल्टेज को सेट करने का काम यहां पर TL431 ये जिनर रेफरेंस है और ये फोटो कपलर लगा हुआ है, इससे ही आउटपुट में वोल्टेज सेट होता है। इस सेक्शन को ऐसे कैसे रखेंगे, और यहां पर ये इनपुट सेक्शन है जहां पर 230 वोल्टेज की सप्लाई देते हैं, और आगे ये 230 वोल्टेज DC बनके 300 वोल्टेज हो जाता है। यहां पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इस सेक्शन में भी थोड़ा बहुत चेंजिंग करेंगे। तो पहले मैं जो इसमें कंपोनेंट हटाएंगे वो हटा लेता हूं और इसको SMPS बनाते हैं। अब आगे देखेंगे इस PCB में मैंने जो यहाँ पर ये फालतू के कंपोनेंट थे इन सभी को हटा दिया है, और AC इनपुट में भी थोड़ा बहुत चेंजिंग किया है। इसका मैंने यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम बना रखा है। जो AC इनपुट की सप्लाई देते हैं वो पिन मैंने यहाँ पर लगा दी है। उसके बाद में ये फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज के बाद में कॉमन मोड ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर DC बनाने के लिए ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा रखा है। जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये इसका, इसके जो कट वाली साइड है ये प्लस की है, और यहाँ पर देखेंगे इसकी साइड वाली पिन ये माइनस की है, और बीच वाली ये दोनों पिन है वो AC इनपुट की पिन है। और DC के आगे जो कैपेसिटर लगाएंगे वो 100 से 150 माइक्रोफेरेड का लगा सकते हैं। इसकी वोल्टेज रेंज 400 से 450 वोल्टेज होनी चाहिए। यहाँ पर जो मैंने कैपेसिटर लगाए हैं ये 47 माइक्रोफेरेड के दो कैपेसिटर है, ये पैरेलल में है। इनकी जो वोल्टेज रेंज है वो 400 वोल्टेज है। आगे देखेंगे यहाँ पर ये सनबर सर्किट है, इसका यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। इस SMPS में जो ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे वो ये ट्रांसफार्मर है। मैं इसकी साइज़ भी चेक करा देता हूँ। ऐसे देखेंगे तो ये 15 mm के लगभग है, 11.9 mm है, और इसकी फुल साइज़ देखेंगे तो 41.6 mm है, और ऐसे 21.1 mm है। फ्लाईबैक वाली जो SMPS होती है उसमें ये गैप ज़रूर रखेंगे। यहाँ पर ये गैप है, कम से कम 1 mm के लगभग रखेंगे इसको। ये जो बीच में से इसको घिस लेंगे, ये गैप रखेंगे तो ये ठीक प्रकार से काम करेगी। अब इसको वाइंडिंग कर लेते हैं बॉबिन को पहले। इस ट्रांसफार्मर की सभी वाइंडिंग हो गई है। यहाँ पर जो आउटपुट लेंगे वो वाइंडिंग यहाँ पर है, और ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है। इसको लगाने से पहले जो ये PCB है इसमें AC वोल्टेज और DC वोल्टेज को टेस्ट करते हैं। मल्टीमीटर को AC वोल्टेज की रेंज पे कर दिया है,
और ब्रिज रेक्टिफायर है उसकी दोनों बीच वाली पिन पर एसी वोल्टेज को टेस्ट करेंगे। दो सौ बयालीस वोल्टेज आ रहे हैं एसी वोल्टेज। अब डीसी वोल्टेज को टेस्ट करते हैं, यहाँ पर 339 वोल्टेज डीसी वोल्टेज आ रहे हैं और यही जो डीसी वोल्टेज है ये प्राइमरी वाइंडिंग के एक सिरे पर यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर भी वही आएगा प्लस। अब इस ट्रांसफार्मर को लगा लेते हैं। ये जो प्लस आ रहा है इसको इसके साथ में जोड़ देंगे प्राइमरी के साथ में एक पिन के, और प्राइमरी के दूसरे सिरे को यहाँ पर जोड़ देंगे। और इसमें आउटपुट के लिए डीसी के लिए जो रेक्टिफायर यूज में लेंगे वो ये लगाएंगे एमबीआर 2100। इसके दोनों साइड वाली पिन को एक जगह कर देंगे और बीच वाली पिन इसकी पॉजिटिव पिन हो गई। और आउटपुट के लिए जो कैपेसिटर लेंगे वो 4700 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट का ले रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर जोड़ देंगे इसको। सेकेंडरी वायरिंग है आउटपुट के साथ में जोड़ देंगे प्लस के साथ में, और नेगेटिव को भी जोड़ देते हैं। आउटपुट में वोल्टेज को सेट करते हैं, इस फीडबैक के वायर को भी लगा लेते हैं और आउटपुट लेने के लिए ये कनेक्टर लगा देता हूँ एक में, इसको नेगेटिव के साथ में जोड़ देंगे, यहाँ पर प्लस के साथ में जोड़ देंगे इसको। अब यहाँ पर देखेंगे इसके आउटपुट के और यहाँ पर जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसके सभी कनेक्शन हो गए हैं। और अब इसमें जो स्विचिंग का काम करेगी प्राइमरी वाइंडिंग में, एक ये मॉड्यूल आता है इसको थ्री वायर का यूनिवर्सल मॉड्यूल बोलते हैं SMPS का, ये किसी भी पावर सप्लाई में लगाकर उसको चालू कर सकते हैं। इसको कैसे लगाएंगे, इसके तीन वायर आते हैं, रेड ब्लैक और ग्रीन वायर आते हैं तीन। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ इसको इस तरीके से लगाएंगे इस SMPS में। ये मैंने इसको ओपन कर दिया है और इस MOSFET को भी यानी थोड़ा सा सीधा कर दिया है ताकि ये SMPS में अच्छी तरह लग जाए यहाँ पर। और इसकी भी फिटिंग कर लेते हैं अच्छी तरह से, और इसको हीट सिंक के ऊपर ज़रूर लगाएंगे। यहाँ पर हीट सिंक लगाएंगे जो हैवी लगाएंगे, क्योंकि ये गर्म होता है और गर्म होने के कारण से ये ख़राब भी हो सकता है। और इसके जो वायर लगाएंगे, ये रेड वायर जो प्राइमरी वाइंडिंग है प्लस का सिरा यहाँ पर हो गया, और जो दूसरा सिरा है इस पर इसको लगाएंगे, और ब्लैक वायर को यहाँ पर जो आउटपुट में ये नेगेटिव है इसी के साथ में इस ब्लैक वायर को लगाएंगे। ग्रीन वायर को ये फोटो कपलर है इसकी पिन नंबर 3 पर ये ग्राउंड जुड़ जाएगा, और पिन नंबर 4 पर इस ग्रीन वायर को लगाएंगे यहाँ पर। इसको मैं लगा लेता हूं और मैं इसका आपको सर्किट डायग्राम भी दिखाऊंगा, ये जो फीडबैक ऐसे सेट होता है इसमें आउटपुट वोल्टेज। पहले मैं इसको लगा के टेस्ट करता हूं। इस मॉड्यूल को यहां पर पेच से टाइट कर दिया है और अब इसकी वायरिंग कर लेते हैं। पहले मैं इस ग्रीन वायर को लगा देता हूं। और अब ब्लैक वायर को लगा लेते हैं। अब रेड वायर को लगा लेते हैं। अब इसमें जो हीट सिंक लगाएंगे वो थोड़ी हैवी हीट सिंक लगाएंगे। इसमें मैं सप्लाई के वायर जोड़ लेता हूँ, और यहाँ पर देखेंगे इस ब्रिज रेक्टिफायर को भी इस हीट सिंक के साथ में ही चिपका देंगे किसी ग्लू से अच्छी तरह से। दोस्तों अब ये SMPS बनके तैयार हो गई है। अब इसमें जो सप्लाई देंगे वो सीरीज लैंप की सहायता से ही इसमें पहले सप्लाई देंगे ताकि कोई खराबी हो तो लैंप जल जाए, आगे सर्किट में कोई खराबी ना हो। मैं चालू करता हूँ पावर सप्लाई को, यहाँ पर देखेंगे इसकी आउटपुट की LED जलने लगी है
और इससे वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हैं। पहले मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम दिखाता हूँ, इसमें वोल्टेज को कैसे सेट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे इस पावर सप्लाई का ये सर्किट डायग्राम है। ग्रीन वायर को फोटोकपलर की पिन नंबर 4 से जोड़ेंगे, ब्लैक वायर को इस नेगेटिव के साथ में जोड़ेंगे और रेड वायर को इस SMPS में जो प्राइमरी वाइंडिंग का दूसरे सिरे के साथ में यहाँ पर जोड़ेंगे। आउटपुट में वोल्टेज सेट करने का काम ये TL431 और ये फोटोकपलर करता है यहाँ पर। और आउटपुट में जो वोल्टेज कम ज़्यादा करते हैं वो यहाँ पर ये 5 किलो ओम का ये प्रीसेट लगा हुआ है जो यहाँ पर लगा रखा है ये। इसी के आगे ये 1.5 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को चेंज करके और भी कम ज़्यादा वोल्टेज सेट कर सकते हैं। अभी जो इसकी रेंज है वोल्टेज की वो 6-7 वोल्टेज के लगभग मिनिमम है और मैक्सिमम वोल्टेज इसका 20 वोल्टेज या 19 वोल्टेज के लगभग इसका पहुंच जाएगा। और भी कम वोल्टेज सेट करना है इसमें तो इस रेजिस्टेंस के मान को 2.2K या 3K की रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। अब आगे इस SMPS को टेस्ट करते हैं। SMPS को टेस्ट करने से पहले SMPS के आगे मैं ये वोल्ट और एम्पियर मीटर लगा देता हूँ। अब SMPS को मैं चालू करता हूँ। यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहे हैं 6.8 वोल्टेज आ रहे हैं और यहाँ से वोल्टेज को भी बढ़ा सकते हैं ऐसे। इसकी मैक्सिमम रेंज है वो 19.4 वोल्टेज है। मैं इस पर लोड लगा लेता हूँ, कुछ 0.62 एम्पेयर आ रहा है। और इस SMPS में देखेंगे इस मॉड्यूल के आगे एक प्रीसेट लगा हुआ है, इससे भी वोल्टेज को कम कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं ऐसे घुमा करके, लेकिन इसको फुल पे ही रहने देंगे और इस फीडबैक से ही वोल्टेज को कम ज़्यादा सेट करेंगे। मैं इसको 14 वोल्टेज के लगभग सेट कर देता हूँ। अब इसमें एक हैवी लोड लगाकर और टेस्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे 7-8 एम्पीयर के लगभग इसका लोड आ रहा है। और भी करंट बढ़ा सकते हैं यहाँ से। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इसका करंट बढ़ेगा। इसमें आउटपुट में लगभग 10 एम्पीयर आउटपुट करंट ले सकते हैं इस SMPS से। मैं इसको कम पे सेट रखता हूँ। दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा यूनिवर्सल SMPS मॉड्यूल लगा करके कैसे SMPS बनाते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। आप इस चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।